ऐसे समझो और समझो डिटेल में। कुमार मिट्टी से मटका बनाता है, सकोरा बनाता है, कुल्हड़ बनाता है और परात बना देता है, गुड़ीसी बना देता है। यार सागर की भाषा में क्या कहते हैं? गुड़ीसी है? यहाँ की भाषा भी बड़ी अद्भुत है। एक बार का भाव याद आ गई तो हम बता दें, बुरा ना मानियो आप लोग, बहुत अच्छे लोग हो। एक बार हमारा चेला चंगीलाल, एक बार चंगीलाल के घर पर कुछ महात्मा आए, यहीं रहता बेचारा सागर में, तीन बत्ती पे। चंगीलाल ने नया मकान खरीदा खुरई में, वहां रह रहा था बेचारा। कुछ महात्मा आए, गांव को काम, गांव में तो रहते ही था, महात्मा आए, सब महात्मा बैठे। चंगीलाल ने कहा भोजन करके जाइए, भोजन भोजन। तो सब महात्मा भोजन करने बैठ गए। ओ सब बड़े बड़े महात्मा, जैसे अभी ये महाराज जी आए मोटे ताजे, ऐसे मोटे ताजे महात्मा, कोई त्रिशूल लें, कोनो मुगदर लें, कोनो लठ लें, सब बड़े बड़े महात्मा यहाँ के बैठे। सोई चंगीलाल ने भोजन करवाया तो परोसने वाले ने एक एक पूड़ी रखी लोचाई। तो चंगीलाल हाथ जोड़ के बोले, एक एक नहीं मुतकी धरो, मुतकी पूड़ी परोसो। तो जो महात्मा थे उनको दिमाग खराब हो गया, बोले भाग। चंगीलाल बोला क्या हुआ? अरे बोले मुतकी कह रहे, शर्म नहीं आती महात्माओं को ऐसा भोजन कराते हो, नरक में जाओगे नरक में। चंगीलाल बोलो महाराज मुतकी का मतलब ज्यादा ज्यादा होता है, आप गलत काउंटर में चले गए। बोलो सीताराम, बोलो जोर से सीताराम। तो बड़ी अद्भुत भाषा है सागर की भी, सागर की भी भाषा का क्या कहना। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से कहो। तो मिट्टी का होता है सकोरा, घड़ा, मटका, कुल्हड़, गुड़ीसी। एक मिट्टी के अनेक बर्तन बन जाते हैं। मिट्टी एक है, बर्तन के नाम अनेक हैं, उसी प्रकार परमात्मा एक है, उसके रूप अनेक हैं। ऐसे ही भगवान, भगवान ब्रह्म भी है, भगवान ब्रह्मा भी है, भगवान विष्णु भी है, भगवान शंकर भी है, भगवान हनुमान भी है, भगवान कृष्ण भी है। नाम अनेक हैं लेकिन परमात्मा एक है। जैसे मिट्टी के बर्तन अनेक हैं पर मिट्टी एक है, सोने के आभूषण अनेक हैं, सोने के आभूषण नाक की कील और मंगल सूत्र मन चली, न जाने क्या क्या चलता है। सोना एक है लेकिन मन चली पंचाली है, और हार और भी जो होता हो, अब अपने हिसाब से गुड़ा भाग लगा लेना। पर सोना तो एक है, आभूषण कितने हैं उसके, कानों के कन फूल, कंछेदी, नथनी है? हाँ तो मैं पहनते कड़ा चूड़ा। तो आभूषण तो अनेक हैं, अनेक नाम हैं, पर सोना तो एक है। उसी प्रकार परमात्मा के नाम अनेक हैं, कोई राम कहता तो कोई घनश्याम कहता तो कोई हनुमान कहता, परमात्मा एक है पर उसके नाम अनेक हैं।